गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कतरन मार्केट। तो आप और मैं, हम लोग चलने वाले हैं कतरन मार्केट। तो हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कैसा मिलता है। मैंने कतरन मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि वहाँ बहुत चीप प्राइस में फैब्रिक मिल जाता है। इवन जो बूटिक होता है जिनका डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, वो लोग भी वहाँ से खरीद कर आते। कितना सच है कितना झूठ है मैं ये जानना चाहती थी, और इसलिए मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहती थी कि कतरन मार्केट क्या है और किस तरीके के फैब्रिक मिलते हैं, कितना सस्ता मिलता है। तो अगर आप भी, आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक्सप्लोर कराती हूँ कतरन मार्केट और क्या है रियल में, मतलब कतरन मार्केट की सच्चाई। तो चलो मार्केट चलते हैं और चलो हम देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ से, और एंड में आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। और एक छोटा सा कतरन मार्केट हॉल होने वाला है एंड में, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कतरन मार्केट और हम वहीं मिलते हैं। ओके, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर गए हैं, अब हमें यहाँ से रिक्शा मिलेगा और देखते हैं कितनी दूर मार्केट है। ठीक, प्लाजो और कुर्ती की शॉप है, वहाँ से आप किसी भी टाइप के मिक्सर मैचर की प्लाजो और कुर्ती ले सकते हैं। मुझे सोचा था खरीदने का, बट मुझे, मैंने सोचा मैं बाद में आते वक्त नहीं बताने लास्ट लेकर कही थी, और ये देखिए आप हर तरीके के फैब्रिक्स में मिल जाते हैं, शिमर वाले, सीक्वेंस वाले और टाइप के फैब्रिक आपको मिल जाएंगे। आप ये मार्केट बेस्ट उनके लिए है जिन्हें स्टिचिंग आती है और जिनका बूटिंग वगैरह अपने आप है, वो एक से एक डिज़ाइनर ड्रेसिंग यहाँ से फैब्रिक लेके बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। ये इस मार्केट में मैंने ज़्यादातर मोस्टली जो वीमेंस हैं उन्हीं को देखा, जो शॉपकीपर हैं वो डील करती हैं। और ये मार्केट पूरी की पूरी ज़्यादातर मतलब जो भी राजस्थान के लोग हैं, ये सूरत से भी सारा सामान लेकर आते हैं। भूख लगी थी तो इसलिए मुझे खाने का पानी मिल गया था, हमें क्या बताई थी आपको कि ये मार्केट पूरी राजस्थान के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पर, जो वीमेंस हैं वो राजस्थानी हैं। और ये देखिए यहाँ पर रग्स, आप रग, तो मैट हर तरीके के मतलब मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके के, किलो का भी वहाँ पर किलो के हिसाब से भी मिल जाते हैं। ये आप सामने शॉप देख सकते हैं, और बट इसके जो साइड में जो मैंने जो फैब्रिक लिया है वो ये मोमडग अंकल थे जो कि इनकी शॉप से लिया था, मुझे काफ़ी इनका प्राइस ठीक लगा था। ये देखो यहीं से मैंने लिया था, वो अपना येलो वाला प्रिंटेड सूट जिसका जो सलवार और दुपट्टा और कुर्ता सॉरी प्रिंटेड है, मैंने यहीं से लिया था। और आप इनकी शॉप पर देख सकते हैं, बार्गिन कराने की भी अंकल बार्गिन भी कर लेते हैं और डील बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे आप देख सकते हैं। और मुझे वहाँ पूरी मार्केट में एक सिर्फ एक कॉस्मेटिक की शॉप दिखी, मुझे जल्दी से कोई कॉस्मेटिक की शॉप नहीं दिखी। यहाँ पर देखा मैंने एक यही शॉप थी कॉस्मेटिक की, और तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और आगे हम देखते हैं। और मार्केट यहाँ में भूख लगी थी तो हमने छोले भटूरे खाए थे, और कुछ मुझे जल्दी से दिखा नहीं वहाँ पर खाने का, तो फिर क्या करें, बहुत तेज़ भूख लगी थी, गर्मी भी इतनी पड़ी थी, हमने छोले भटूरे ही खा लिए। और सामने भी देख सकते हैं बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पर वैसे तो ज़्यादातर छोटी छोटी शॉप है लेकिन कुछ हैं कि हाँ बड़ी बड़ी शॉप भी हैं, और यहाँ पर हर किसी के मिल जाते हैं। ये देखो तानिया कैसे खा रही है। और फिर हाँ पूरी मार्केट में ही आपको इस तरीके के फैब्रिक मिल जाते हैं, हर तरीके के फैब्रिक चाहो जैसे चाहो वैसे, कुछ मतलब सरप्लस के कपड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। हम एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। 30 रुपीज़ पर मीटर भी आपको मिल जाते हैं, 30, 20, 100 मतलब मिनिमम 30 से लेकर आपको यहाँ पर मार्केट में 500-600 रुपये मीटर मतलब इस तरह के फैब्रिक भी मिल जाएंगे। मैक्सिमम का तो मुझे पता ही नहीं, इतना पता नहीं किया था, बट हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के मतलब सब कुछ मिल जाता है। आप अगर एक से एक डिज़ाइनर गाउन साड़ी कुछ भी बनवाना चाहते हो तो आप एक बार एक्सप्लोर करिए मार्केट। और ये देखिए आप जो स्केटिंग और साइकिलिंग करने के लिए बच्चों के लिए हेलमेट होता है वो वाले पैड्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर, मैंने पता किया था। और मैंने और चीज़ें भी देखी, देखा कि वहाँ क्या क्या मिलता है, तो मैं इनसे क्या पता कर रही थी मैं, हाँ फ्रेंच क्रेप जो मेरा फैब्रिक है वाइट कलर में वो पता कर रही थी, बट मैंने उनको कहा ऑर्गेन्जा ऑर्गेन्जा, मैं कंफ्यूज हो गई थी। लास्ट में मैंने एक ही प्लेटेड प्लाजो लिया जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ, मैंने ये प्लाजो भी लिया। कतरन मार्केट हमने एक्सप्लोर कर लिया, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी थी
और अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट क्या है, कैसा है, आपने एक्सप्लोर किया वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो पता चल ही गया है आपको किस टाइप की मार्केट है। मैं आपको अब दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी आपको कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है, तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये वाला फैब्रिक, ये फ्रेंच क्रेप है, जो कि मैंने एक मेरा ऑर्गेन्जा का सूट है तो उसके लिए मैं इसको लेकर आई हूँ। ये मुझे वहाँ पे 100 रुपीज़ मीटर काफ़ी शॉप्स पे, एक्चुअली पता है कतरन मार्केट में क्या है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। यही फैब्रिक मुझे कई सारी शॉप पर 100 रुपीज़ मीटर, 120 रुपये मीटर और 100 रुपये मीटर मिल रहा था, लेकिन एंड में मैंने पहली बात तो फ्रेंच क्रेप बहुत सारी शॉप पर था, लेकिन मुझे जो ये कलर चाहिए था ना वाइट, ये मुझे जल्दी से मिला नहीं। मैंने काफ़ी सारी दुकानों को देखा तब मुझे जाकर ये फैब्रिक मिला, कुछ पे था लेकिन वहाँ पे बहुत कम कम कपड़ा था, मतलब 2 मीटर, लेकिन मुझे ये चाहिए था 4.5 मीटर जो कुर्ती का इनर है उसके लिए और पैंट बनवाने के लिए। ये ऑर्गेन्जा के सूट में, ऑर्गेन्जा का जो मेरा एक सूट है जिसका मेरे पास ऊपर का मतलब वो है, मुझे उसमें इसका इनर लगवाना है तो मैंने उसके लिए परचेज़ किया। ये 4.5 मीटर है और इसको मैंने लिया है 60 रुपीज़ पर मीटर। फ्रेंच क्रेप है, ये बहुत अच्छी शाइन होती है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में, मतलब बहुत अच्छी शाइन देगा ये अंदर से, तो मैंने इसको ये लिया है। ये 4.5 मीटर है और ये इस टाइप का है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। और ये वाला सूट अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि दिखाइए कि कैसा सूट है और ये बनने के बाद कैसा लग रहा है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। सेकेंड मैं आपको दिखाऊँगी ये सॉफ्ट फैब्रिक है, कॉटन का, बहुत ही सॉफ्ट है। ये ऊपर का जो हमारी कुर्ती बनेगी, शर्ट मतलब ऊपर का आएगी, अपर वाला बनेगा, बहुत ही प्यारा प्रिंट है और मतलब इसका प्रिंट इतना प्यारा है, ये देखो वाइट पे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एक बार में। ये ऊपर के कुर्ती का फैब्रिक है और ये नीचे का बॉटम, जो इसमें चाहे आप सलवार प्लाजो पैंट जो बनवाना चाहते हो वो बनवाओ, तो ये इस तरीके से मिक्स और मैच करके बनेगा। ये अपर है, ये लोअर है, ये मुझे वहाँ से मिला था 350 रुपये का मुझे ये ऊपर मतलब कुर्ता और बॉटम, जो कि ये 2 मीटर है और ये 2.5 मीटर है, दोनों का फैब्रिक मिला है 350 रुपये में। हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा ठीक लगा कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया, क्योंकि इसके क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसको ख़रीद कर मेरे को बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन मिला है कि मेरे को अच्छी डील मतलब मैंने ग्रैब की। और आप बताना ये कैसा आपको कैसा लगा, और अगर आप इसको बनने के बाद देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको दिखाऊंगी सूट बनने के बाद कैसा लग रहा है। थर्ड, ये मुझे लगा कि मैंने कॉस्टली लिया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने पहले जब मैंने ये दूसरी शॉप से लिया है और ये मैंने दूसरी शॉप से लिया है, ऑलमोस्ट सारी शॉप्स पे आपको हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में घुसते ही तुरंत मतलब ख़रीदने लग जाओ, आप 2-4 शॉप पर जाओ, प्राइस पता करो कौन कम दे रहा है कौन ज़्यादा में दे रहा है, थोड़ा उनसे बार्गेन करो। तो मैंने ये वाला पहले ही ख़रीद लिया था, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको बाद में लेती, जिस शॉप से मैंने ये लिया था मैं बार्गेन करा सकती थी। और ये देखो, ये अपर है एक, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया था क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट का है। अब मुझे इस तरीके फ्लावर प्रिंट वाले मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कुर्ते। और ये इसका बॉटम वेयर है, ये भी 2.5 मीटर है, ये ऊपर का 2.5 मीटर है और ये 2 मीटर का है, 2.25 मीटर। इसमें आप चाहे प्लाजो पैंट जो बनवाना चाहो वो बनवा लो, तो आप लोग बताना है मुझे। ये वैसे प्राइस इसका मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे ज़्यादा लिया या कम लिया, उसने मुझे ये 550 रुपये में दोनों दिया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि और शॉप पे अगर मैं जाती बाद में लेती तो थोड़ा मुझे मतलब डिस्काउंट थोड़ा और कम प्राइस पे मिल जाता, लेकिन फाइनली जब मुझे ये पसंद आया था तो मैंने इसे पहले ले लिया था। बाकी ये दोनों इस तरीके के हैं, ऐसे लगेंगे, ये अपर है ये लोअर है, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था बनने के बाद, देखते हैं कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके साथ में ये जो पिंक कलर की शिफॉन का दुपट्टा ट्राई करूँगी मिल जाए, या फिर देखते हैं कि मुझे किस टाइप का मिलेगा दुपट्टा, और बाकी मैं इसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा लेने वाली हूँ। पूरा सूट बनने के बाद अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद मैंने वहाँ से जो परचेज़ किया है वो ये बैंगल्स परचेज़ किए हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप के बैंगल्स मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी परचेज़ करने के,
ये चूड़ा मतलब चूड़ा लुक का है, बट मैंने नहीं लिया था। फाइनली मैंने इसको वहाँ से मुझे देखा तो मैंने कहा ले लेती हूँ, और लेना तो है ही, मेरा काफ़ी टाइम से मन है, तो मैंने इसको ये वहाँ से ले लिया है। और ये मुझे पता नहीं मार्केट में भी इसका क्या प्राइस है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से मतलब चूड़ा और ये जल्दी नहीं लेती हूँ। और ये देखो ये कुछ इस टाइप का है, दोनों हैंड्स का है, ये आधा ये रहा आधा ये रहा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे देखने में। और ये मुझे वहाँ ये मुझे 350 का बोला था उन्होंने, 350 का, बट मैंने डिस्काउंट बार्गेन करके डिस्काउंट क्या बोलूँ बार्गेन करके इसे 200 में ले लिया था। आप बताना ये कैसा है, कि मैंने महंगा लिया या सस्ता लिया, ठीक लिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों को कैसा लगा? मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या लिया। मैं हुप्स लेना चाहती थी, पर मुझे वो प्लेन जो सिल्वर कलर में होते वो नहीं मिले, बट मुझे ये वाले भी चाहिए थे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इनको लेने का, बट मुझे ये वहाँ दिख गए तो मैंने इनको ले लिया। बहुत ही प्यारे लग रहे, मतलब मेरे पास एक गाउन है, मैं उसके लिए स्पेशली मतलब पर्ल वाले लेना चाहती थी, तो मुझे ये मिल गए। आप लोग पता नहीं कैसे, और ये मुझे 30 रुपीज़ मिल गए। हाँ वैसे ये हर तरह हर मार्केट में इनका प्राइस मोस्टली मतलब सेम ही होता है, 30-50 में ही मिल जाते हैं, बट मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने इन्हें परचेज कर दिया। इसके अलावा मैंने वहाँ से एक नोज़ पिन जो कि तानिया ने मुझे दिलवाई थी वो मैंने परचेज़ की थी, बट वो मुझे मिल नहीं दिया कि मैंने कहाँ रख दिया। तो ये रहे हुप्स मेरे, और आज का मेरा कलेक्शन यही था जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मार्केट एक्सप्लोर करूँ और आपको बताऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।